भारत आने के लिए अब कितनी देरी का इंतजार करना होगा अंजू को, इस बारे में अंजू ने अब लेटेस्ट खुलासा किया है। जी हाँ, हाल में ही एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अंजू अक्टूबर के आखिर में वापस भारत में आ जाएंगी, लेकिन पहली बार अंजू ने बताई वो हकीकत जिसको सुनने के बाद अंजू के परिवार वाले भी हैरान हो गए। आपको बताते चलिए कि अंजू अपनी मर्जी से पाकिस्तान में गई थी और अपनी मर्जी से पाकिस्तान से वापस भारत आना चाहती थी। अंजू का कहना था कि वो महज अपने बच्चों के लिए भारत आ रही है। ऐसे में अंजू ने वीज़ा की भी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन खबर एक ऐसी सामने आती है जिसके बाद ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और मालूम पड़ता है कि अंजू के साथ तो दगाबाजी हुई है। दरअसल कहा यह जा रहा था कि अंजू अक्टूबर की आखिर में वापस आ जाएंगी और सब कुछ तैयारी हो चुकी है, अंजू का वीज़ा भी खत्म होने वाला है। ऐसे में अंजू ने बताया कि अभी एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान ने उसे नहीं दी है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। अंजू ने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने उसे अभी तक NOC नहीं दी है, उसे NOC का इंतज़ार है, जिसके बाद ही वो वापस भारत आ पाएगी, जिसके लिए दूतावास का भी दरवाज़ा अंजू ने खटखटाया है। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनवा के दूर दराज इलाके में नसरुल्लाह का परिवार रहता है, जहां पर अंजू भी रहती है। अंजू की शादी हो चुकी है। ऐसे में अंजू ने कभी भी कबूल नहीं किया कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है या फिर उसने शादी कर ली है, लेकिन खबरों में ये तमाम चीज़ें साफ हो चुकी हैं कि अंजू का निकाह भी हुआ था और अंजू की शादी भी हुई थी। लेकिन अब ये देखना है कि अब पाकिस्तान से हुए इस धोखे के बाद अंजू किस तरीके से एक्शन लेती है। क्या भारतीय दूतावास अंजू को मौका देता है भारत आने का? क्या अंजू को NOC पाकिस्तान सरकार से मिल पाती है या फिर अंजू को अभी वहीं कुछ और दिन रहना होगा?